नमस्कार सर, मैं पंकज बिश्नोई बोला था भोजपुरी कलेक्शन चैनल से। हमारी बात राइटर विक्की विशाल सर से हो रही ना? जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बस ठीक है सर, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। जी सर, सर आपका गाना काफी हिट होने बाद मार्केट में काफी दिनों से कहाँ गुल हो गए थे, आखिर फिर उसके बाद फिर डिमांड, फिर ये महीने में फिर आपका बैक टू बैक धमाका हो रहा है, फिर खेसारी जी का जो कि आज पोस्टर रिलीज हुआ है और कल गाना आ रहा है सुबह में 6 बजे, और जिस गाने का नाम रखा गया है वे म्यूजिक चैनल से आ रहा है सनिचर के फर्नीचर, और ये गाने के बारे में बताइए कि गाना किस टाइप का होने वाला है। देखिए भैया, सबसे पहले तो आप जितने भी आपके चैनल से जुड़े हुए सब भाई को मेरा प्रणाम है, आपको भी प्रणाम है। और एक बात बताना चाहूंगा कि हम भैया गायब नहीं हुए हैं, क्योंकि हालांकि गाने कुछ कम आ रहे हैं, लेकिन गाने आ रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन में पहले ही मेरे हिसाब से 10-15 वर्ष पहले नीलकमल भैया के साथ आया था, गाने तो आ ही रहे हैं। और कल खेसारी भैया की आवाज में रिलीज हो रहा है फर्नीचर के फर्नीचर के म्यूजिक चैनल से, जी जी तो गाने तो आ ही रहे हैं भैया। हाँ हाँ, तो मतलब कुछ दिन पहले तो आप जान ही रहे कि पवन भैया का गाना रिलीज हुआ था कि आराम दोबारा अर्जुन है। हाँ, जो कि मार्केट में हिट होने बाद आप काफी समय बाद गायब, मतलब ऐसा लग रहा था कि विक्की विशाल जी कहाँ चले गए, आखिर दिख क्यों नहीं रहे, क्यों, क्या रीजन है, जो कि दर्शक इंतजार कर रहे थे कि भाई विशाल जी का, विक्की विशाल जी का गाना आना चाहिए, फैंस की डिमांड थी। भैया भैया मेरा ऐसी सोच है, लेट हो पर ग्रेट हो, ओके धमाका तो बड़ा होना चाहिए। जी जी पवन सिंह जी का जैसा। जी जी एकदम एकदम, हमको पूरा विश्वास है कि गाना भैया सनीचर का फर्नीचर जितने भी मेरे प्यारे दर्शक है, देवताश्रुत दर्शक है, उनको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, तो ये गाना मतलब किस टाइप का होना, मतलब कुछ अलग या फिर कुछ? हाँ, कोशिश तो किया भैया कि कुछ अलग करें, अच्छा, क्योंकि मेरा यही कोशिश रहता है कि अलग ही करूं, क्योंकि जब जब मैं गाने लाया हूं मार्केट में तब तक अलग अलग ही किया हूं, हाँ सबसे हाँ अलग किया हूं। जी 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 हाँ, तो अच्छा भैया, ये जैसे आप खेसारी जी का प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट, शुरुआत हो गया है, क्योंकि अभी बोलबम सावन आने वाला है, 4 जुलाई से जी स्टार्ट जी होने वाला है, क्या कोई प्रोजेक्ट पवन सिंह जी का, खेसारी जी का या फिर रितेश पांडे जी का कुछ अपकमिंग में प्रोजेक्ट आपका आने वाला है क्या? देखिए भैया, अभी तो प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से सब भैया के साथ आने वाला है, लेकिन देखिए कब आ रहा है। अभी ये नहीं, मतलब बोलबम का, बोलबम का आने वाला है बोलबम क्या? तो भैया मैं नहीं कर पाया हूँ, इसलिए माफी चाहता हूँ। बोलबम अगर जो भी प्रोजेक्ट आएंगे तो मेरे भाई लोग का ही आएंगे और मेरे ही कंपनी से आएंगे, प्रेम म्यूजिक वर्ल्ड कंपनी से ही आएंगे। अच्छा, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट तो बोलबम का नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब आपका नहीं हुआ है प्रोजेक्ट आपका? जी अभी तो बोलबम का नहीं हुआ है, पर भोजपुरी ही होंगे, जो हाँ, जब भी हम प्रोजेक्ट करेंगे और रिलीज जब भी होगा तो भोजपुरी हो, लोकगीत ही होगा। अच्छा, मतलब ये इतना मैं ये, अच्छा ये क्वेश्चन ये हमारा है, ये है कि जैसे सावन बीतने बाद बैक टू बैक क्या पवन सिंह जी का धमाका होने वाला, क्या खेसारी जी का धमाका होने, क्या रितेश पांडे जी का धमाका होने वाला है, क्या भैया नीलकमल सिंह जी का? अब जिनका प्यार मिल जाए, क्योंकि मैं तो छोटा हूँ, जो मुझे बुलाएंगे मैं नहीं, उनके पास मैं जाऊंगा। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मतलब अब फाइनल हो गया है, मतलब जैसे सावन के बाद। अब देखिए भैया किनके साथ धमाका हो रहा है, अब आने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। अच्छा, और ये गाना हमें आशा है कि सुबह में जो 6 बजे रिलीज होगा गाना, जो कि वे म्यूजिक चैनल से, और उसी समय पावर स्टार पवन सिंह जी का भी गाना कल रिलीज हो रहा है, जो कि आदिशक्ति फिल्म से राजा जी, जो कि टीजर आज रिलीज हुआ है, और सुबह में उनका भी 6:45 पे रिलीज हो रहा है पवन जी का, और वही खेसारी जी का भी रिलीज हो रहा है। क्या आप बताइए, मतलब कि आपके हिसाब से, मतलब कि किसका गाना आपको मतलब ज्यादा हो? भैया भैया मैं यही बोलूंगा कि देखिए सबसे पहले कि दोनों समझिए तो हमारे हमारे क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी जी छोटे व्यक्ति हैं, हाँ, छोटे कलाकार हैं, उनका गार्जियन ही है दोनों। जी जी बिल्कुल, हाँ, और बात रह गया कि दोनों भैया का गाना हिट हो, मैं तो यही ऊपर वाला से विनती करूंगा और पब्लिक के जो भी मेरे देवताश्रुत दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों गाने ब्लास्ट करें। जी 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 क्योंकि आराम है दोबारा, जो कि इतना बेहतरीन गाना और इतना हाई क्वालिटी गाना बस आप लोग का रिलीज प्यार था भैया, हुआ मैं और था, तो काम कर अचानक देना किसने। अचानक आराम है दोबारा, और उसके बाद जाहिद अख्तर जी का फिर गाना मार्केट में हुआ शुरुआत 2023 में, जो कि जाहिद अख्तर काफी
लॉलीपॉप राइटर जो कि नाम जानते हैं जी। जी। भैया एक और क्वेश्चन चाहता हूं मैं आपसे कि भोजपुरी नृत्य में अभी कुछ दिन पहले जो कि विवादित हो रही थी, अभी कुछ जैसे खेसारी जी के टीम के तरफ से और पवन सिंह जी के टीम के तरफ से जो कि अभी जो एक यूट्यूब विशाल सिंह जी है टीम के तरफ, पवन सिंह जी के टीम की तरफ से, वही महेश पांडे जो है यूट्यूबर हैं वो भैया भैया मैं एक बात बताना चाहूंगा भैया। जी। सबसे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री एक परिवार है, हाँ और उस परिवार मान लीजिए अगर एक परिवार में कोई हाँ 8 10 15 20 अगर लोग रहते हैं ना भैया, तो थोड़ा नोक झोंक होते रहता है, क्योंकि मान लीजिए सब सब तो खुश नहीं रहेंगे ना भैया। नहीं नहीं बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो थोड़ा नोक झोंक चलता रहता है। लेकिन हाँ, मैं यही बोलूंगा कि सब भैया से रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप लोग अगर जो करेंगे वही ना छोटा कलाकार सीखेंगे, तो आप लोग भी कुछ बेटर करिए ताकि छोटे कलाकार बेटर सीखे, बेटर काम करे। मैं यही बोलूंगा। जी। भैया और आपकी बात विवाद बढ़िया तो भैया विवाद कोई कोई विवाद नहीं है, सब भाई भाई हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी भैया, क्योंकि आज अभी विशाल सिंह जी जैसे, महेश पांडे जैसे मिले और बातचीत हुआ जो भी हुआ और सॉल्व हुआ मैटर जो भी था, कुछ भी था जो भी नहीं था। देखिए तो भैया, मेरा एक ही सोच है भैया कि किसी के बारे में किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। नहीं अगर नहीं आप उसके बिल्कुल बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो आपका अधिकार बुरा बिल्कुल बुरा भी बोलने का नहीं है। बिल्कुल। और महेश पांडे क्या बोले, बोले कि हम मिलने के लिए ऐसा बोले। भैया मैं तो जानता नहीं हूँ, हालांकि ज्यादा हम यूट्यूब से ना जुड़े हैं भैया, क्योंकि हम हाँ जैसे मैं गीतकार हूँ, जी गाने लिखना मेरा काम है, मैं जी जी अधिकांश जी में गाने ही लिखता हूँ। जी जी हाँ यूट्यूब को चलाना मेरा उतना काम नहीं है, क्योंकि अगर यूट्यूब हाँ और प्लस फेसबुक चलाते तो मेरा भी लाखों में फॉलोअर्स होता, जी बस कुछ होता। बिल्कुल लेकिन इतना बिल्कुल तो हम चलाते यूज नहीं करते हैं, इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस गाने लिखना मेरा काम है, आप गाने के बारे में मुझसे पूछ जी सकते जी हैं। जी जी भैया। और भैया हमें आशा है कि ये गाना जो है आपका कल जो सुबह में गाना आ रहा है 6 बजे वेमी चैनल से खेसारी भैया की आवाज में गाना, हमें आशा है कि गाना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपका लिखा हुआ गाना हमेशा बस ब्लॉकबस्टर आप होता है। लोग का प्यार चाहिए भैया, आप लोग का प्यार चाहिए और और मेरे दर्शक का प्यार चाहिए। हमारे विशाल भैया बता रहे हैं कि सावन के बाद पवन सिंह जी का और अदर सिंगर का बैक टू बैक धमाका होगा, बट अभी कंफर्म नहीं हुआ है धमाका तो होगा भैया, पर विश्वास से देखिए क्या होता है। जी। भैया 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 और जाते जाते तो आप बढ़िया है ना भैया। जी जी इसके बारे में जाते जाते क्या करना चाहते भैया। मैं यही बोलना चाहूंगा कि जितने भी मेरे मेरे चाहने वाले भाई हैं, आपको भी सपोर्ट करें, मुझे भी सपोर्ट करें, और जितने भोजपुरी के कलाकार हैं उनको भी सपोर्ट करें, ताकि भोजपुरी कुछ बड़ा बने, जी 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 इतिहास रखे। जी भैया थैंक यू सो जी मच, थैंक थैंक यू। यू, धन्यवाद।